गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको डी विटलसी के अनुसार विश्व के एग्रीकल्चर रीजन्स के बारे में पढ़ाया था। विटलसी ने अपने पांच बेसिस लेके विश्व को, पूरे विश्व के एग्रीकल्चर सिस्टम को 13 एग्रीकल्चर सिस्टम्स के उसमें डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था कि ये 13 प्रकार के एग्रीकल्चर सिस्टम विश्व में हमको देखने को मिलते हैं। तो आज से मैं आपको एक एक सिस्टम के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे कि पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सिस्टम का क्या नाम है, उसका मतलब क्या है, किन किन विश्व के किन किन क्षेत्रों में वो एग्रीकल्चर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है, कहाँ कहाँ उस तरह की एग्रीकल्चर सिस्टम हमको देखने को मिलता है, और तीसरा उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उस एग्रीकल्चर सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, और साथ ही उसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस या इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स को भी हम ध्यान में रखेंगे, ताकि ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सिस्टम सस्टेनेबल है कि नहीं, आने वाले समय में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए क्या इस तरह का एग्रीकल्चर सिस्टम सस्टेन कर सकता है या इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर सिस्टम हम जानने की कोशिश करेंगे उसको कहते हैं, उसको कई नामों से जाना जाता है, उसको कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव आदिम, सबसिस्टेंस स्वपोषी, और एग्रीकल्चर कृषि। जो आदिम स्वपोषी कृषि या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसको अपन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं या स्थानांतरण कृषि के नाम से भी ये जाना जाता है। इसी का तीसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश काटो, जलाओ, खेती करो और फिर शिफ्ट हो जाओ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो विश्व में इस तरह के एग्रीकल्चर सिस्टम को हम तीन प्रमुख नामों से जानते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हिंदी में इसको स्थानांतरण कृषि भी हम कहते हैं। तो ये इस तरह की जो कृषि विश्व में देखने को मिलती है, इससे हमारा क्या मतलब है, व्हाट डज वी मीन बाय प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, व्हाट डज वी मीन बाय दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये प्रिमिटिव इन नेचर है, बहुत ही जो कृषि की आदिम अवस्था है, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था और उसने सबसे पहले जो खेती करना सीखा, वही अवस्था अभी भी प्रचलित है किसी किन्हीं क्षेत्रों में, तो ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव आदिम अवस्था में या आदिम प्रकार से की जाने वाली, आदिम तरीकों से की जाने वाली कृषि है। दूसरा है सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस मतलब स्वपोषी, जो भी हम कृषि उत्पादन करते हैं, कृषि का जो उत्पादन किया जाता है वो मार्केट के लिए कम और खुद के उपयोग के लिए स्वपोषी, अपने परिवार के लिए, अपने कबीले के लिए या खुद के पोषण के लिए इस तरह की खेती की जाती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये जंगलों में इस तरह की खेती हमको देखने को मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली स्लोप्स पे इस तरह की खेती देखने को मिलती है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड का पूर्णतः अभाव है, तो लोग जाते हैं जंगलों को साफ करते हैं, उसको जलाते हैं और एक प्लेन एरिया वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर खेती करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह की एग्रीकल्चर है जिसको अपन इसके नामों से समझ सकते हैं। अब विश्व में इस तरह की कृषि कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो हम पाएंगे विश्व में, जो मैं तीन बातें कह के इसको और एलोबरेट करूँगा कि कहाँ कहाँ विश्व में इनको ये इस प्रकार की खेती देखने को मिलती है, ये हिली एंड फॉरेस्टेड लैंड या हिल स्लोप्स पे इस तरह की खेती हमको देखने को मिलती है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं,
पर्वत की ढलान वाले क्षेत्र हैं और उन पे हमको ये देखने को मिलती है, जहाँ क्लियर मैदान है, फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे वहाँ इस तरह की खेती देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये उन क्षेत्रों की टिपिकल एग्रीकल्चर है जो अभी भी फॉरेस्टेड हैं, पर्वती हैं और वहाँ पे अभी भी आदिवासी लोग निवास करते हैं। और जो टेक्नोलॉजी का जो रीच है वहाँ पे वो नहीं हो पाई है, वहाँ टेक्नोलॉजी अभी तक पहुँच नहीं पाई है, मशीनरी का उपयोग बहुत कम हो पाता है, ऐसे क्षेत्रों में ये की जाती है। विश्व में अगर इसको देखें तो विश्व के जो मेनली ट्रॉपिकल एरियाज हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं और उनके जो पर्वतीय और वनों वाले क्षेत्र हैं वहाँ इस तरह की खेती देखने को मिलती है। विश्व में मैंने ये मैप बना के आपको दिखाने की कोशिश की है, यह है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका जिसमें मैक्सिको और भी छोटे छोटे कई देश हैं, सेंट्रल अमेरिका में इस तरह की खेती देखने को मिलती है हमको। दूसरा ब्राज़ील, ब्राज़ील में इस तरह की खेती स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। अफ्रीका में जायरे बेसिन में हम इस तरह की खेती हमको देखने को मिलती है। इसी तरह इंडिया में आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ के हिली स्लोप्स पे अभी भी हमको ये देखने को मिलती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे हमको इस तरह की एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। श्रीलंका में भी हमको इस तरह की एग्रीकल्चर, श्रीलंका के पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमको इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। दूसरा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या यूं कहो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं उनके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, हिल स्लोप्स हैं, उनमें आपको इस तरह की खेती देखने को मिल जाएगी। फिलीपींस में दो आइलैंड हैं, मिंडानाओ और लूजोन, वहाँ भी फॉरेस्टेड और हिली स्लोप्स पे आपको इस तरह की खेती देखने को मिल जाएगी। ये और भी इम्पोर्टेंट है कि अलग, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह की ट्राइब्स निवास करती है, आदिवासी निवास करते हैं और वो उस खेती को प्रैक्टिस करते हैं, तो लोकल नाम से ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे इंडिया में बेवार एंड पौधा नाम से इसको जानते हैं, बेवार पौधा। श्रीलंका में चेना नाम से ये जानी जाती है। मलेशिया, इंडोनेशिया में लडांग, LADANG, लडांग नाम से जानी जाती है, है ना। इसी तरह और जगह भी कई अलग अलग नामों से ये जानी जाती है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो हम देखें, उष्ण, ये मैंने आपको मैप ड्रॉ किया है भूमध्य रेखा बीच में, और ये मेनली ट्रॉपिकल एरियाज हैं और इस तरह की एग्रीकल्चर आपको ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ही देखने को मिलेगी। टेम्परेट और कोल्ड एरियाज में इस तरह की खेती आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये टिपिकल ट्रॉपिकल एरियाज की में प्रैक्टिस की जाने वाली एग्रीकल्चर है। इस तरह की जो ये खेती है इसकी विशेषताएं जानना उतना ही आवश्यक है कि क्या इनकी विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी है, इनमें हम अगर इनको लिस्ट करें, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इनको हम लिस्ट करें तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फील्ड रोटेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है, जिसमें आदिवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, तो वो जाते हैं, कोई फॉरेस्ट एरिया देखते हैं, समतल एरिया देखते हैं और उन फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, उसको जला के उस एरिया को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, वहाँ की झाड़ियों को साफ करते हैं और उसमें खेती की करते हैं। क्योंकि ये ज़मीन हिल स्लोप्स पे है तो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, तो इसी जगह पे 2 या 3 साल तक खेती हो सकती है, उसके बाद उसकी उत्पादकता या उर्वरकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है,
और उस खेती का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो लोग उसके बाद ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमको दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो उस एरिया को छोड़ के फिर वो दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ पे उसी तरह की जगह देखते हैं, समतल और इस तरह की, और वहाँ का जंगल साफ करके वहाँ उसको जला के और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस तरह ये अपनी जगह को शिफ्ट करते रहते हैं, कई सालों बाद हो सकता है फिर से वो उसी स्थान पर आ जाएं, या उन वो नहीं आए तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन वापस उसी स्थान पे आके खेती करने लगे। जनरली हम क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र अपनाते हैं, एक फसल वही उसके बाद, क्योंकि उर्वरकता ख़त्म नहीं हो तो दूसरी फसल वही। लेकिन इस तरह की एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस ना करके फील्ड रोटेशन प्रैक्टिस किया जाता है ताकि उसकी उर्वरकता बनी रहे। फील्ड रोटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वो है सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, या सब्सिस्टेंस के लिए की जाने वाली खेती, या बार्टर। जो भी इस तरह की खेती में आउटपुट प्राप्त होता है, जो उत्पादन होता है, उसका डिस्पोजल वो किसी मार्केट में नहीं करते, उसको कमर्शियल पर्पस से नहीं बेचते, वो उनके खुद के, मोस्टली फूड क्रॉप्स होती है तो वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए उसका यूज़ करते हैं। हाँ, उसका कुछ हिस्सा ज़रूर वो बार्टर एक्सचेंज करते हैं, जिससे अपने इम्प्लीमेंट्स खरीद लेते हैं या जो नियर बाय जो कम्युनिटी है उससे जाके अपनी फसल उसको देंगे, और उसके बदले में कुछ इक्विपमेंट्स, जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं, नेसेसरी सामान है, वो ज़रूर वो प्रैक्टिस करते हैं। तो मेनली मोस्टली सब्सिस्टेंस और पार्शियली बार्टर, ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है जो डिस्पोजल ऑफ फार्म प्रोड्यूस का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत मेनली सब्सिस्टेंस और बार्टर सिस्टम काम लिया जाता है। तीसरी विशेषता है, हालांकि ये ऑर्डर में नहीं है लेकिन मैंने जो भी मेरे को ध्यान आया वो नोट डाउन करने की कोशिश की, स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स और एंड फैमिली लेबर। जो खेती की जाती है वो विस्तृत कृषि नहीं होती, बहुत छोटी साइज के प्लॉट होते हैं, बहुत ही लेस देन 1 हेक्टेयर इन साइज, बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं जिसपे इस तरह की खेती की जाती है। और इस तरह के जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं, जो खेती की जाती है, उसमें मोस्टली फैमिली लेबर या पारिवारिक श्रम यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि लेबर हायर कर लिया, फैमिली लेबर एंड एनिमल लेबर, मोस्टली फैमिली लेबर यूज़ होगा और एनिमल लेबर यूज़ होगा। ऐसा नहीं नो यूज़ ऑफ मशीनरी, नो यूज़ ऑफ हायर्ड लेबर, है ना। तो क्योंकि प्लॉट्स स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स हैं, मोस्टली फैमिली लेबर यूज़ होता है, एनिमल लेबर यूज़ होता है, मैकेनाइजेशन नहीं के बराबर है, वो आदिम अवस्था के जो टूल्स हैं, पुराने टूल्स हैं, जैसे खुरपी फावड़ा इस तरह के टूल्स वो यूज़ करते हैं, मशीनरी का यूज़ नहीं के बराबर किया जाता है, प्रिमिटिव टूल्स। नेक्स्ट है प्रिमिटिव टूल्स, इसमें मशीनरी का कोई यूज़ नहीं है और प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करके वो खेती करते हैं। अगर हम इस तरह की खेती में का क्रॉपिंग पैटर्न देखें कि किस तरह की फसलें वो उगाते हैं, तो वी विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन बाय इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज कंसिस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स। जो खाद्य फसलें हैं मेनली उन्हीं को वो उगाते हैं, और उनमें भी जो प्रमुख है मेज ट्रॉपिकल एरिया की एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, और मेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में उगाई जाती है। मेज के साथ रूट क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो जमी में जड़ों के रूप में होती है, जैसे आलू, शकरकंद, है ना, सुगर बीट, इस तरह की चीज़ें जो अंदर जमीन में रूट क्रॉप्स के रूप में होती है वो उगाई जाती है। बीन्स, फलीदार सब्जियाँ, बीन्स, बीन क्रॉप्स। सो देर जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें मेनली इट कंसिस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स,
फूड ग्रेन्स में मेज, रूट क्रॉप्स एंड बीन्स, ये यहाँ के प्रमुख फसलें हैं। तो इस तरह की ये कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसमें लोग अपने जीवन यापन के लिए, अपने खाने पीने के लिए पैदा करते हैं। कोई इकोनॉमिक सरप्लस नहीं है, मार्केट के लिए नहीं है, है ना, खुद के एस्पेक्ट के लिए। अब इस तरह की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है उसको लेके इकोलॉजी वाले, एनवायरनमेंट वाले कई क्वेश्चंस उठाते हैं। तो हम वी विल ट्राई टू एग्जामिन द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, किस तरह इकोलॉजिकली ये साउंड सिस्टम है या साउंड सिस्टम नहीं है, है ना, इसका कुछ अपन जानने की कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं कि ये जाके जंगलों को साफ करते हैं और इससे बहुत नेचुरल वेजिटेशन का वेस्टेज होता है, और उसके बाद इस तरह का अगर इस स्लोप्स पे जंगलों को साफ करते हैं देन इट लीड्स टू सोइल इरोजन, गली इरोजन और फ्लड्स, ये सारी चीज़ें इसके कारण होती है। लेकिन इसका एक ये हाँ लिमिटेशन इसकी कह सकते हैं, क्योंकि ये जंगलों को साफ किया जाता है, लेकिन इसके साथ इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स, वो बहुत कम यूज़ हो रहे हैं। तो सोइल की जो क्वालिटी बाहर के एक्सटर्नल एलिमेंट से जो होती है वो इसमें नहीं हो रही है ना, लेकिन हाँ सोइल इरोजन और इस तरह की चीज़ें, जंगलों का नुकसान इससे होता है। सो गवर्नमेंट्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू सेटल देम एंड ट्रेन देम, कि किस तरह उनको ट्रेन करके और एक साउंड इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार किया जाए। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई टूडेज लेक्चर। इसके बारे में आपको कुछ आइडिया लगा होगा। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि विश्व के किन किन भागों में ये प्रैक्टिस की जाती है और किन किन लोकल नामों से इनको जाना जाता है। जनरली इस तरह की चीज़ें आपसे एग्ज़ाम्स में खूब पूछी जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जो दूसरी नेक्स्ट क्लास में जो अलग तरह की एग्रीकल्चर सिस्टम है, दूसरे एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।